अब ए पार्ट में लिखा हुआ है इन थ्री थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाय नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट थ्री थ्री हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स इस कार्डा मल्टीप्लीकेंट तो यही ये ये यह देखें ये आपके पास मल्टीप्लीकेंट होता है और ये मल्टीप्लाइड होता है तो उन्होंने पूछा था कि बताएं कि ये यह नंबर यहाँ पे क्या कहलाता है तो इसको हमने लिख दिया है मल्टीप्लीकेंट बी पार्ट है क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लाइड इज टू बी मल्टीप्लीकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नोन एज मल्टीप्लायड यानी कि वो नंबर जिसके साथ आपने मल्टीप्लीकेंट को मल्टीप्लाई करना होता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं मल्टीप्लाइड सी पार्ट है जी नंबर विच डिडेंट इज कार्ड आर डैश कि वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं डिवाइजर डी पार्ट है आपके पास एटीन थाउजेंड फोर एंड फोर हंड्रेड को डिवाइड करेंगे हंड्रेड के साथ तो ये देखें जी ये टू जीरो आपके टू जीरो के साथ कट गए तो आपके पास आंसर क्या बचेगा वन हंड्रेड एंड एट्टी फोर इसको आप रफक में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं ई पार्ट है इफ़ द डिडेड इज थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी एट एंड डिजेड इज ट्वेल्व देन द रिमाइंडर इज डैश के थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी एट है अगर आप उसको हम ट्वेल्व के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो जीरो आ रहा है इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि अगर ये आपके पास एम सी फॉर्म में आ रहा है तो हम इसको यूं ही देख के लिख सकते हैं लेकिन अगर ये आपके पास फोर मार्क्स का या फाइव मार्क्स का आ रहा है सब्जेक्टिव टाइप पेपर में तो आप इसको यूँ सॉल्व करेंगे ये देखें जी क्वेश्चन नंबर वन डी पार्ट एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट किया है अब हंड्रेड डिवाइड करते हुए हंड्रेड वन आर हंड्रेड ठीक है जी ये देखें फोर का फोर एज इट इज एट का एट एज इट इज अब ये जीरो आपके पास एक जो है वो नीचे आ गया क्योंकि एट्टी फोर एक छोटा नंबर था हंड्रेड से तो हंड्रेड एट आर एट हंड्रेड अब ये जीरो में से जीरो कट किए जीरो फोर में से जीरो कट किए फोर अब यहाँ पे फोर्टी हो गया था यहाँ पे बाई हंड्रेड था हमने क्या किया यहाँ पे आपके पास डिवाइडेड में एक जीरो और था उसको आप नीचे ले आए तो नीचे बन गया फोर हंड्रेड तो हंड्रेड फोर जर फोर हंड्रेड और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर में आ गया जी जीरो ये अभी मैंने आपको ये डी पार्ट दिखाया है 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 जी, तो तो ये आप इसको करके देखेंगे के साथ के क्या आंसर अगर तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू है और अगर जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि ये फॉल्स है इस सिचुएशन में वैसे ये फॉल्स है आप डिवाइड करके देखिएगा। बी पार्ट है जी इन 429 divided by 8 the number 429 is the dividend अब क्योंकि डिवाइड ये देखें डिवीजन का साइन है डिवीजन के साइन में ये आपके पास डिवाइडेंड होता है और ये आपके पास डिवाइजर होता है इसी तरह बी पार्ट है जी इन uh, in, uh, 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 429 इज द डिवाइडेंड ये ट्रू है सी पार्ट है इफ वी डिवाइड 3

और उनमें से एक नंबर जो है वो अगर हमारे पास हंड्रेड हो तो बताएं कि दूसरा नंबर जो है वो यही वाला होगा कि नहीं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं ये देखें जी क्वेश्चन नंबर टू डी पार्ट है जो सोलशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास गिवन था वो हमने लिखा फर्स्ट नंबर भी गिवन था वो हमने लिख लिया हंड्रेड सेकंड नंबर हमें नहीं पता था क्या है वो हमने लेट कर लिया कि वो आपके पास एक्स है अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास क्या आ रहा था कि दो नंबर्स हैं हंड्रेड और एक्स ये देखें इन दो नंबर्स को हमने लिया कि हंड्रेड और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो ये वाला आएगा ठीक है जी अब ये uh, मैथ का एक कह लें आप रूल है कि जो नंबर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये देखें ये हंड्रेड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इस साइड पे लेके गई हूँ ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकू तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो गए अब हमने इसको डिवाइड किया है ये देखिए वही वाला मेथड है जी हंड्रेड को टू के साथ क्योंकि ये थ्री डिजिट नंबर था हमने भी अंदर थ्री डिजिट नंबर देखा हंड्रेड टू से तो फोर में से ज़ीरो कट करेंगे तो ज़ीरो सेवन में से ज़ीरो कट करेंगे तो सेवन ही आ जाएगा फोर में से ज़ीरो कट किए हैं तो फोर सेवन में से ज़ीरो कट किए हैं तो सेवन अभी आपके पास सेवेंटी फोर हो गया सेवेंटी फोर एक छोटा नंबर था हंड्रेड एक बड़ा नंबर था तुमने क्या किया डिवाइडेंट से एट जो है वो नीचे ले आए ठीक है ये बन गया आपके पास सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी एट अब टेन का टेबल हंड्रेड का टेबल पढ़ना है कि सेवन फोर्टी एट या उससे कोई छोटा नंबर आए तो टेन आर सेवन हंड्रेड उसको हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया फोर्टी एट फोर्टी एट अगेन एक छोटा नंबर है तो हमने क्या किया ऊपर से एक जीरो जब वो और नीचे ले आए हैं ये बन गया फोर हंड्रेड एंड एट्टी अब टेन का टेबल पड़ है कि फोर तक पड़ है तो आपके पास फोर हंड्रेड आ गया फाइव तक पड़ेंगे तो फाइव हंड्रेड आ जाना था तो जो, जो कि बड़ा नंबर होना था इसलिए हमने टेन फोर जार फोर हंड्रेड ही लिखा है जीरो में से जीरो कट करेंगे जीरो एट में से जीरो कट करेंगे एट और ये देखें ऊपर एक और नंबर था वो हम जीरो जो है वो यहाँ पर नीचे ले आए बन गया एट हंड्रेड अब टेन एट जार एट हंड्रेड और ये आपके पास क्वेश्चन जो है कम्पलीट हो गया अब सेकंड नंबर आपका ये जो क्वेश्चन था वो ये आया है कि 2748 सेकंड हंड्रेड फोर्टी एट नंबर है आपके पास 2748 हंड्रेड फोर्टी एट लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ट्वेंटी नंबर थाउजेंड 27480 हंड्रेड एटी जो कि आपके पास फॉल्स है अब ई पार्ट है जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा अगर तो ये आता है तो ट्रू होगा इस केस में वैसे ये नहीं आ रहा आप लोग अपने रफ नोटबुक्स पे इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो ये है फॉल्स क्वेश्चन नंबर थ्री है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए पार्ट है जी द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर के दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर को क्या कहते हैं तो आपके पास सही वाला ऑप्शन है जी प्रोडक्ट बी पार्ट है जी फिफ्टीन हंड्रेड uh, को मल्टीप्लाई किया है टू हंड्रेड के साथ ये देखें जी 1500 को मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है जी 200 के साथ जीरो का हमने पढ़ा था कि जी जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी जीरो टू तो ये देखें हमारे पास जो है वो जीरो जीरो जार जीरो 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 जार जीरो 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 जार जीरो और यहाँ पे आपके पास फोर जीरो आ गए तो बारह जीरो था उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक क्रॉस लगा के तो ये दोबारा से फोर जीरोज आ गए हैं अब क्योंकि थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट हुआ है तो हमने यहाँ पे टू क्रॉस लगा दिए टू जीरो जीरो टू जीरो जर जीरो टू फाइव जार टेन तो जीरो लिख लिया आपने हमने और वन जो आपके पास कैडी चला गया टू वन जार टू और जो कैडी वाला वन था वो एड करके यहाँ पे आपके पास आ गया थ्री अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपके पास बन गया जी थ्री हंड्रेड थाउजेंड तो ये देखें जी ये आपके पास राइट आंसर है आ गया जी इफ़ वे द रिमाइंडर इज तो डॉइड करके देखेंगे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे यहाँ पे आपके पास आएगा नंबर 16 दैन नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ द लॉन्ग डिवीजन इज कार्ड के डिवीजन करते हुए जो नंबर एंड पे बच जाता है जो फर्दर सॉल्व नहीं हो पाता डिवाइड नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं रिमाइंडर इफ द कास्ट ऑफ वन बुक इज थर्टी फाइव रुपीज़ एक किताब पैंतीस रुपए की है देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ थर्टीन बुक्स तो उसी तरह की तेरह किताबों की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो थर्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी फाइव के साथ ये देखिए उन्होंने पूछा कि आप कौन सा है वो एक्ट करेंगे यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे क्योंकि एक चीज़ की एक चीज़ की कीमत आपके पास गिवन है और उसी की जैसी तेरह किताबें और लेनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया जी आपका लेक्चर आज का कम्प्लीट अपना ख्याल रखिएगा इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है अल्लाह हाफिज़